तो ये देखिए, शुरुआत करते हैं अपनी बैक से, अपने पीछे से। ये हमारे पीछे का जो एनवायरमेंट है ये आपको दिख ही रहा होगा। तो देखो ये गैलरी है, किसी किसी ने इसको स्टोर रूम भी बना रखा है। ये छोटी सी जो गैलरी है, इसके बाद है ये एक रूम, ठीक है। ये बेड हम खरीद के लेके आए थे क्योंकि यहाँ पे हमें ये हमारी सूटकेस, क्योंकि अभी तक हमने अलमीरा हमारी जो ऑर्डर की थी वो नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पे फेस्टिवल चल रहा था 4-5 दिन के लिए, ठीक है। तो जिसकी वजह से 4-5 दिन नहीं, शायद 9 दिन दुकानें बंद रहती हैं, सिर्फ ज़रूरी सामान ही आप खरीद सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो ये हम फ्रिज लेके आए थे, ये इसका कवर डला हुआ है ये, क्योंकि ये रूम खाली ही रहता है, इसमें सिर्फ हम कपड़े वपड़े सुखाते हैं। तो ये जो है इस गैलरी से ये दोनों कमरे अटैच हैं, ठीक है। एक जिसमें हमने अपना बेडरूम बना रखा है, एक ये इसमें हमने अपने कपड़े वगैरह या फिर जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई अभी लेने वाला नहीं आया है, तो इसीलिए हमने इसके अंदर ही ये डिब्बे डाल रखे हैं। ये टॉवल वगैरह हमारे सूख रहे हैं। अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, ये है बाथरूम, ठीक है। एक जो उस रूम के साथ अटैच था वो हमने दिखाया नहीं। देखो ये यहाँ पर किसी ने बिल्कुल इसको तोड़ रखा था और बिल्कुल रेड रेडनेस था, अब तो ठीक सा हो गया है। एक ये है, ठीक है, और जो अटैच बाथरूम था वो भी दिखा देते हैं इस रूम के साथ। ये इसके ऊपर हम पानी रखते हैं, ये स्टैंड यहीं पे मिला था हमें, ठीक है। ये इस रूम के साथ जो है अटैच, ठीक है, क्योंकि कई सारे बच्चे जो पूछ रहे थे, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे कि मैम आपने उस दिन इतने स्पीड से दिखा दिया, हमें कुछ भी नहीं दिखा, तो धीरे से दिखाना कैसा क्या कुछ है। ये हम लेके आए थे फ्रिज, इसके ऊपर ये 2-3 दिन के लिए रखे हुए हैं अभी, और हमारा इस सूटकेस में हमारे बच्चों का सामान रखा हुआ है। ये प्रेस करने के लिए कपड़े अभी रखे हुए हैं, थोड़ी देर में इनकी प्रेस की जाएगी। उससे पहले हमें याद आ गया एकदम से कि क्यों ना वीडियो बना ली जाए। और ये गद्दा और ये तख्त, हमारे हरियाणा में जो इसको बोलते हैं, ये 2 मिले थे हमें, बट एक क्योंकि बच्चे आए तो इस वजह से ले जा लिए गए, क्योंकि बच्चों के लिए ये कह रहे थे कि फर्नीचर कम पड़ गया था, तो इस वजह से इसको ले जाया गया है। एक अभी यहाँ पर है, ये है, आप देख सकते हो ऐसी ऐसी खिड़कियाँ ये लगी हुई हैं। इसमें पूरी सेफ्टी बरती गई है भाई उसके साथ, क्यों, क्योंकि इसके एक आपको ये देखो, ये एक छोटी सी गैलरी यहाँ पे भी है, पर गेट जो इन्होंने यहाँ पे पेंट किया था, सारे गेट ऐसे ऐसे हो गए हैं। कोई आपको पता हो कि इसको उतारने का क्या मैटर आता है तो ज़रूर बताना, क्योंकि सभी गेट बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए हैं। ये हमारा सामने का नज़ारा, ये जो 4 क्वार्टर हैं ये भी अब तैयार हो गए हैं, सिर्फ फर्श और पेंट रहता है। ये देख सकते हो आप, ये बॉयज हॉस्टल है, पानी की टंकी फुल हो गई है। हाँ, लाइट की पूरी सुविधा है भाई, लाइट जो पूछ रहे थे, 24 आवर्स लाइट रहती है, और पानी भी सही अच्छा है। देखो एक ये इसमें ये वैसे वाली जाली है और एक ये शीशे वाला, ठीक है, यानी कि 2-2 खिड़कियाँ लगाई गई हैं। ये PGT वालों की थोड़ी सी बड़ी खिड़की है और TGT वालों की रूम थोड़े से छोटे हैं, तो खिड़की भी थोड़ी सी छोटी ही आई थिंक लगाई जाएंगी, क्योंकि जो इनकी जगह है वो स्पेस दिख ही रहा होगा आपको, थोड़ा सा कम ही रखा गया है, बस यही डिफरेंस है, बाकी सेम है बिल्कुल ऐसे ही। तो ये देखो, ये हमने भगवान जी को अपना पूजा स्थल भी यहीं पर स्थापित कर लिया, क्योंकि पूर्व डायरेक्शन में बता रहे थे कि पूर्व डायरेक्शन में होना चाहिए, तो इसीलिए इसको हमने बिल्कुल सामने लगाया है, ताकि एंट्री करते ही जब आप वहां से एंट्री करते हो बिल्कुल इसी के ऊपर आपकी नज़र जाएगी। ये है हमारा छोटा सा किचन, अभी अभी हमने खाना बनाया था, इसके डिब्बे हमने नीचे रख रखे हैं, क्यों, क्योंकि काफ़ी छोटा ये है, ठीक है। और इसके बर्तन रखने के लिए हम ये अपना स्टैंड अलग से लेके आए थे मार्केट से, और ये
अभी हमारे पास डिब्बों की कमी है, जिसकी वजह से ये राजमा बेसन ये लेके आए हुए हैं और ये अभी डला नहीं है, क्योंकि डिब्बे लेके आएंगे फिर उनमें डालेंगे। ठीक है, ये हमारा सिलेंडर है, ये छोटी सी हमारी गैस है जिसके ऊपर हमने दूध रखा हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा क्वार्टर। और एक मिनट, अभी हम भाई पर्दे नहीं लेके आए हैं, ये चद्दर है और ये देख सकते हो यहाँ से एंट्री होती है। ये अगर ऊपर जाना है, ये अगर नीचे जाना है, ये यहाँ पे गैलरी है कि आप सामने वाले के साथ भी यहाँ पे बैठ सकते हो, लेकिन मैम ने यहाँ पे सुखा रखे हैं कपड़े। ठीक है, तो ये बिल्कुल फ्रंट पे, यानी कि जब आप एंट्री करोगे तो उस टाइम पे ये गैलरी है, यहाँ से हवा बहुत ही अच्छी आती है। ठीक है, ये यहाँ की खूबी है, बहुत ही अच्छी जो है, अगर लाइट भी नहीं है तब भी यहाँ से इतनी अच्छी हवा आती है, बस बहुत। तो आई थिंक फुल क्वार्टर की जो वीडियो है मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है, क्योंकि जो फर्स्ट तैयार की गई थी वो थोड़ी सी जल्दबाजी में की गई थी। ठीक है, तो अब जो है हर एक चीज़ को दिखाने की कोशिश की गई है। ये जो है वैसे 3 रूम सेट बोला गया था, लेकिन ये शायद 2 रूम सेट में ही आता है, क्योंकि ये होल है जो ये रूम में नहीं आता है, और अगर इसको रूम भी बना लिया जाए तो 3 रूम सेट बन जाएगा। लेकिन हाँ, ये है कि वही फैमिली को आप अच्छे से रख सकते हो, अच्छे से आपकी फैमिली इसमें रह सकती, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े रूम हैं। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम रहने वाली नहीं है, और सभी फैसिलिटी जैसा कि मैंने बताया, पानी बिजली की अवेलेबल है। ये है कि भाई अभी तक हमारे मीटर नहीं लगे थे, क्योंकि यहाँ पे पहले पुराने जो गैस टीचर थे उनके लिए शायद बिजली स्कूल से ही अलॉट होती थी या यहाँ पर रहते नहीं थे, उस चीज़ के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जल्द ही हमारे मीटर लग जाएंगे और उसके बाद जो बिजली होगी वो भी 24 आवर्स ही रहती है, लेकिन ये है कि फिर इसका बिल पे करना पड़ेगा। अभी तक जो है स्कूल में बोला गया था कि आपको सभी को जो अमाउंट रखा गया था वो सभी को पे करना है, बट अब जो है सबके लिए अलग अलग मीटर अलॉट हो चुके हैं, यानी कि जिसका जो अलॉटेड आपका क्वार्टर है उसका अलग से मीटर आपका लगेगा। ठीक है, और जब आपकी ट्रांसफ़र होगी कहीं तो आप उसका कनेक्शन कटवा सकते हो। ठीक है, तो ये थी क्वार्टर के बारे में। पानी की फैसिलिटी जो पूछ रहे थे बच्चे कि पानी की फैसिलिटी कैसी है, लाइट की फैसिलिटी कैसी है, और देखो एक बात और है यहाँ पे, क्योंकि देखो ये जो मार्केट से काफ़ी दूर बनाए गए हैं, तो हर एक चीज़ के देखो पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं, तो हमें पॉजिटिव को ही कंसिडर करके चलेंगे, ताकि जो अच्छे से हमारे जॉब जो है खुशी खुशी हम कर सकें। तो यहाँ पे जो हवा आती है नेचुरली बहुत ही अच्छी आती है, यानी कि कई बार 10-5 मिनट के लिए, क्योंकि ज़्यादा तो जाती नहीं है, लेकिन कई बार अगर लाइट चली भी जाती है 5 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट के लिए, 10 मिनट से ज़्यादा तो हमारे आने के बाद यहाँ पर गई नहीं है, क्योंकि बच्चों को भी सेम से ही स्कूल से ही, और यहाँ पर तीनों अटैच है, सभी को एक ही जगह से लाइट आती है, तो 24 आवर्स यहाँ पर लाइट की फैसिलिटी है। तो अगर चली भी जाती है तो यहाँ से इतनी अच्छी हवा आती है, जैसे जो मैंने खिड़की आपको दिखाई थी, क्योंकि सभी में पूरा ये ध्यान रखा गया है इस चीज़ का कि किसी भी कमरे में ये नहीं लगता कि आपको घुटन है। हर एक कमरे में बड़ी सी खिड़की है, एक गेट है, उसके साथ साथ जो पीछे वाले हैं उनमें दोनों में 2 गेट है, और ये एक ओपन रूम है ही, यानी कि हॉल है ही। ठीक है, तो सभी रूम में बहुत ही अच्छी हवा आती है, आप अपनी फुल फैमिली को रख सकते हो। अगर आपके बच्चे, आपके अगर सास ससुर भी हैं, यानी कि आपके मम्मी पापा भी हैं, अगर मेल जॉब लगता है तो उसको भी आप अच्छे से रख सकते हो, क्योंकि 2 रूम हैं, उसके साथ साथ एक हॉल भी है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है, अब आप कहोगे किसको देख रही थी, क्योंकि मैं यहाँ पे चिड़िया जो है पास में ही आती हैं और उनके लिए रोटी और पानी रखती हूँ, तो वो हमेशा यहाँ पे ज़रूर आती है और पूरी पूरी रोटी और पानी पी के जाती तो हमें बहुत अच्छा लगता है भाई, ऐसे वहाँ पर ऐसा टाइम नहीं मिल पाता था, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें नई भी मिली हैं, कोई कुछ चीज़ें छुटी हैं और कुछ, लेकिन कुछ अच्छा भी मिला है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या एक्सपीरियंस शेयर किए जाएंगे। फिलहाल जो है आज हमने अपना क्वार्टर को आपसे अच्छे से दिखाया है, उसके बाद जब
हमें सैलरी मिल जाएगी, फिर थोड़ा सा डेकोरेट करके फिर से वीडियो अवेलेबल करवाएंगे। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना न भूलिए। और हाँ, ऐसा नहीं है कि हम अपना जो है, कई एक दो बच्चे कमेंट आ रहे थे कि अब आप मैम वीडियो नहीं बनाते हैं, क्या इसको छोड़ दोगे? जी नहीं, ये मेरी एक ड्यूटी है, इसको मैं कभी नहीं भूलती। लेकिन वही है, कई बार इतनी थकावट हो जाती है कि दिल नहीं करता, जिसकी वजह से रह जाता। लेकिन आज छुट्टी थी, आज मैंने 2-3 वीडियो इकट्ठी बना ली। अब आपको इस तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, डेली एक वीडियो आपको अपलोड कर दी जाएगी। सो थैंक यू अगेन।